हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि वीज़ा ऑन अराइवल वियतनाम के लिए कैसे मिलता है। कई लोगों का मिथ है कि वीज़ा ऑन अराइवल वियतनाम के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल आसान होता है, इजी प्रोसेस होता है। 10 से 15 मिनट में आपको वीज़ा मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपके वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट जो चीज़ चाहिए वो आपको ये पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट के तो आप किसी भी देश में जा ही नहीं सकते। बस नेपाल और भूटान में आप, अगर पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो नेपाल और भूटान में जा सकते हैं, उसके सिवा आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो आपको पासपोर्ट तो चाहिए चाहिए। दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है प्री अप्रूवल लेटर। प्री अप्रूवल लेटर जो आपको मिलता है किसी भी ट्रैवल जो ट्रैवल एजेंसी होती है, ऑथराइज ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आपको $6 से $10 के बीच में इजिली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। जो तीसरी चीज़ है वो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको जहाँ से आपका प्री अप्रूवल लेटर मिल रहा है वो आपको मेल कर देगा, तो उसको आपको फिल करना है। और फिल करके आप इंडिया से रवाना हो जाएंगे वियतनाम के लिए। अब जब वियतनाम आप पहुँचेंगे तो वियतनाम में आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। तो वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे आप जाएंगे, आप एक जगह देखेंगे कि इमिग्रेशन ऑफिसर की लाइन होगी, इमिग्रेशन काउंटर होंगे, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होगी। आपको वहाँ ना जाके उसी जगह में आप देखोगे एक जगह लिखा होगा वीज़ा एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको जाके अपना पासपोर्ट जमा करना है, प्री अप्रूवल लेटर जमा करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना है। और चौथी चीज़, आपको एक फोटोग्राफ चाहिए 2x2 की या 4x6 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। वो जो आप दे देंगे उसे जमा कर देंगे तो वो अपने एंट्री करते हैं, उसके बाद वो उस चीज़ को आपके सारे डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट काउंटर पे। नेक्स्ट काउंटर होता है पेमेंट काउंटर, वो जस्ट साथ में ही है। वहाँ पे आपको जाके जब आपका डिस्प्ले में आप देखेंगे आपका नाम आएगा, जब नाम शो हो जाएगा आपका तो आपको वहाँ पे काउंटर पे जाना है और आपको पेमेंट करनी है। अब आपको पेमेंट कितनी करनी है, फॉर सिंगल एंट्री है। अगर आपको एक ही बार का एक मतलब आपका लेंथ ऑफ ड्यूरेशन वो 30 दिन का है और एक आपको मतलब उसी दौरान मतलब सिंगल एंट्री चाहिए, तो उसके लिए आपको $25 पे करना पड़ेगा। अगर आपका ड्यूरेशन ज़्यादा है और आपको बार बार आना जाना है, आपको अदर कंट्री में जाके फिर दोबारा वापस आना है, फिर मतलब 3 महीने का चाहिए, तो उसके लिए आपको पेमेंट करेंगे $50, ठीक है। जब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा तो वो आपको एक स्टिकर वीज़ा इस पर लगा के दे देगा लाइक दैट, ठीक है। जब आपके ये वीज़ा स्टिकर वीज़ा लग जाएगा तो उसके बाद आपको फिर इमिग्रेशन काउंटर पर जाना है। वहाँ पे आप देखेंगे 10 से 15 लोग या 20 30 लोग, डिपेंड करता है कितनी फ्लाइटें उस समय आई हैं। अगर ज़्यादा फ्लाइटें होंगी तो ज़्यादा लोग होंगे, अगर एक ही फ्लाइट या दो फ्लाइट आई गई तो आपको इजीली 5 से 7 मिनट के अंदर इमिग्रेशन काउंटर से भी क्लियर हो जाएंगे। इमिग्रेशन काउंटर पे आपसे कुछ भी नहीं पूछते, आपकी फ़ोटो लेंगे, आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे। और वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्या कहते हैं, होटल अकोमोडेशन नहीं पूछते, फंड्स के बारे में नहीं पूछते। तो वीज़ा ऑन अराइवल में घबराइए मत, बहुत आसान प्रोसेस है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली इजीली वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आपको कैसे प्री अप्रूवल लेटर लेना है, कैसे आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, सस्ते पैसे में कितना चीपली अवेलेबल हो जाएगा। तो घबराए नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। वियतनाम आइए, बहुत सुंदर जगह है और आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, आप घूम सकते हैं। तो बाय बाय माय फ्रेंड्स।